चाहता हूँ कि थोड़ी देर जरा सा हास और बेंग तंजो मजाह में आ जाइए, कहकों में आ जाइए। जिंदगी बहुत देर तक गंभीर रहने का नाम नहीं है, कुछ कहकों की भी जरूरत है। तरह तरह की रजा मिलती है इलेक्शन में, तरह तरह की रजा मिलती है इलेक्शन में। कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं, वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती है। दोस्तों बात तरह तरह की रजा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं, वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती है। तो दोस्तों मैं यर्ज कर रहा था कि ये बात संजीदा ढंग से भी कही जाती है, मगर जब इसमें मजाक शामिल कर दिया जाता है तो अपने आप होंठों पर तैरते तैरने लगते हैं। ये तंजिया और मजाहिया शायर की खूबी हुआ करती है। मैं एक ऐसे शायर से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ जो बदायूं की तहजीबी सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, कलीम समर साहब। हमारी तंजिया और मजाहिया शायरी में बड़ी खूबसूरत जबान इस्तेमाल करके अपने जज्बात को इस तरह पेश करते हैं कि हर शख्स ये महसूस करता है कि ये उसके अपने जज्बात की सच्चाइयों की तर्जुमानी है। कलीम समर बदायूनी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। बगैर किसी तमीज के चार मिसरे पेश कर रहा हूँ कि मेरा दिल मेरी जान है उर्दू, मुझसे पूछो महान है उर्दू। कि मेरा दिल मेरी जान है उर्दू, मुझसे पूछो महान है उर्दू। और शेर सुनकर लिपट गई बेगम, कितनी मीठी जबान है उर्दू। कि मेरा दिल मेरी जान है उर्दू, मुझसे पूछो महान है उर्दू। और शेर सुनकर लिपट गई बेगम, कितनी मीठी जबान है उर्दू। और चार मिसरे देखे के देर से आया समझ में, क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया। कि देर से आया समझ में, क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया। और दोस्तों की बीवियों को ताकना और झांकना, अब तो जीने का फकत यही सहारा रह गया। कि देर से आया समझ में, क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया। और दोस्तों की बीवियों को ताकना और झांकना, अब तो जीने का फकत यही सहारा रह गया। कि जवां हूँ खूबसूरत हूँ, यही एक डर सताता है, किसी से आंख मिलते ही कनेक्शन हो भी सकता है। कि जवां हूँ खूबसूरत हूँ, यही एक डर सताता है, किसी से आंख मिलते ही कनेक्शन हो भी सकता है। और हसीनों से हमेशा फासला मैं यूं भी रखता हूँ, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। वाह वाह। कि जवान हूँ खूबसूरत हूँ, यही एक डर सताता है, किसी से आंख मिलते ही कनेक्शन हो भी सकता है। हसीनों से हमेशा फासला मैं यूं भी रखता हूँ, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। कि ये बातें कर रहे थे एक दिन दो चोर आपस में, अदालत में तो ले दे के कमीने छूट जाते हैं। कि ये बातें कर रहे थे एक दिन दो चोर आपस में, अदालत में तो ले दे के कमीने छूट जाते हैं। और न जाने किस तरह मुंसिफ पकड़ लेता है रिश्वत को, हमें मुर्गी पकड़ने में पसीने छूट जाते हैं। कि ये बातें कर रहे थे एक दिन दो चोर आपस में, अदालत में तो ले देखे कमीने छूट जाते हैं। न जाने किस तरह मुंसिफ पकड़ लेता है रिश्वत को, हमें मुर्गी पकड़ने में पसीने छूट जाते हैं। और चार मिसरे देखे के दुश्मन की बात, मैंने सदा इसके टाइम दी, सारे जहाने दोस्तों मेरी मिसाल दी। कि दुश्मन की बात, मैंने सदा इसके टाल दी, सारे जहाने दोस्तों मेरी मिसाल दी। और तकलीफ दी ना मैंने कभी दूजे कान को, जिस कान से सुनी थी उसी से निकाल दी। कि दुश्मन की बात, मैंने सदा इसके टाल दी, सारे जहाने दोस्तों मेरी मिसाल दी। और तकलीफ दी ना मैंने कभी दूजे कान को, जिस कान से सुनी थी
उसी से निकाल दी कि लंच को मैंने डिनर, अब कह दिया तो कह दिया, यानी सूरज को कमर, अब कह दिया तो कह दिया। क्या कहने, वाह वाह। कि लंच को मैंने डिनर, अब कह दिया तो कह दिया, और यानी सूरज को कमर, अब कह दिया तो कह दिया, और मेरी शादी सायरा से हो ना हो चिंता नहीं, उसके वालिद को सुसर। वाह, कि लंच को मैंने डिनर, अब कह दिया तो कह दिया, यानी सूरज को कमर, अब कह दिया तो कह दिया, और मेरी शादी सायरा से हो ना हो चिंता नहीं, उसके वालिद को सुसर, अब कह दिया तो कह दिया। चारवीं से देखा कि मुश्किल था हर सवाल, वो पर्चा ना कर सका, यूं इम्तहान का कभी चर्चा ना कर सका। कि मुश्किल था हर सवाल, वो पर्चा ना कर सका, और यूं इम्तहान का कभी चर्चा ना कर सका, और जितने अमीरजादे थे सब पास हो गए, वो पास कैसे होता जो खर्चा ना कर सका। वाह वाह वाह। ये मुश्किल था हर सवाल, वो पर्चा ना कर सका, और यूं इम्तहान का कभी चर्चा ना कर सका, और जितने अमीरजादे थे सब पास हो गए, वो पास कैसे होता जो खर्चा ना कर सका। कि घबरा के मेरे अब्बू मुझको लगे समझाने, महबूब के जो फोटो पकड़े गए सरहाने। कि घबरा के मेरे अब्बू मुझको लगे समझाने, महबूब के जब फोटो पकड़े गए सरहाने, और ये सुन के मेरी अम्मी अब्बू से लगी कहने, आकाश तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने। वाह, बहुत अच्छे भाई कलीम समर साहब, क्या कहने, वाह 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 वाह। कि घबरा के मेरे अब्बू मुझको लगे समझाने, महबूब के जब फोटो पकड़े गए सरहाने, और ये सुन के मेरी अम्मी अब्बू से लगी कहने, आकाश तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने, और ये चार दिन की मोहब्बत का मैं नहीं पाए, हमेशा साथ रहोगे ये एग्रीमेंट करो। कि ये चार दिन की मोहब्बत का मैं नहीं पाए, हमेशा साथ रहोगे ये एग्रीमेंट करो, और जो चाहते हो मोहब्बत सदा रहे कायम, तो टेम्परेरी कनेक्शन को परमानेंट करो। वाह वाह वाह। कि ये चार दिन की मोहब्बत का मैं नहीं पाए, हमेशा साथ रहोगे ये एग्रीमेंट करो, जो चाहते हो मोहब्बत सदा रहे कायम, तो टेम्परेरी कनेक्शन को परमानेंट करो। कि नहीं रुकती किसी सिग्नल, किसी भी रेड लाइट पर, जिधर जी चाहता मेरा उधर को मुड़ गई होती। कि नहीं रुकती किसी सिग्नल, किसी भी रेड लाइट पर, जिधर जी चाहता मेरा उधर को मुड़ गई होती। और अगर दो फूल से बच्चे मेरे आगे नहीं होते, तो मैं सलमान के अबू कभी की उड़ गई होती। बहुत अच्छे कलीम समर साहब, क्या कहूँ। कि नहीं रुकती किसी सिग्नल, किसी भी रेड लाइट पर, जिधर जी चाहता मेरा उधर को मुड़ गई होती। और अगर दो फूल से बच्चे मेरे आगे नहीं होते, तो मैं सलमान के अब्बू कभी की उड़ गई होती। कि भाई से लड़ गया, कभी बहनों से लड़ गया, शैतान का मैं बन गया तनवीज दिलरुबा। कि भाई से लड़ गया, कभी बहनों से लड़ गया, और शैतान का मैं बन गया तनवीज दिलरुबा। और अम्मा का प्यार दिल में ना, बाबा खौफ है किस मौलवी से लाई हो तावीज दिलरुबा। ये भाई से लड़ गया, कभी बहनों से लड़ गया, और शैतान का मैं बन गया तनवीज दिलरुबा। और अम्मा का प्यार दिल में ना, बाबा खौफ है किस मौलवी से लाई हो तावीज दिलरुबा। कि शबाना पे जब से शबाब आ गया है, मोहल्ले में जैसे अजाब आ गया है। कि शबाना पे जब से शबाब आ गया है, मोहल्ले में जैसे अजाब आ गया है, और बशीरा तो घर से निकलता है ऐसे कि जैसे कहीं तो नवाब आ गया है। कि शबाना पे जब से शबाब आ गया है, मोहल्ले में जैसे अजाब आ गया है, और बशीरा तो घर से निकलता है ऐसे कि जैसे कहीं का नवाब आ गया है। मैं किसी से गिला नहीं करता, और दुश्मनों से मिला नहीं करता। मैं किसी से गिला नहीं करता, दुश्मनों से मिला नहीं करता, और ये समझ लो कि मैं हूं गुब्बारा, फट गया तो सिला नहीं करता। कि मैं किसी से गिला नहीं करता, और दुश्मनों से मिला नहीं करता, और ये समझ लो कि मैं हूं गुब्बारा,
हट गया तो सिला नहीं करता कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना है समझाना, बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना है समझाना, बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। और इस भूल पे पब्लिक ने ये हाल किया मेरा, लोगों ने मुझे मेरी आवाज से पहचाना। आइए 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 कुछ और सुनाइए, अभी लोगों की तस्कीन नहीं हुई। आइए कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना है समझाना, बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। और इस भूल पे खाने में ये हाल हुआ मेरा, लोगों ने मुझे मेरी आवाज से पहचाना। और चार मिसरों में पाकिस्तान की तरफ इशारा है कि अमीरों को फरावानी यहाँ भी है वहां भी है, और गरीबों का लहू पानी यहाँ भी है वहां भी है। कि अमीरों को फरावानी यहाँ भी है वहां भी है, और गरीबों का लहू पानी यहाँ भी है वहां भी है। और वफादारों को लाली रोटियों के पलते रहने दें तो मक्खारों को बिरयानी। क्या अमीरों का फरावानी यहाँ भी है वहां भी है, और गरीबों का लहू पानी यहाँ भी है वहां भी है। और वफादारों को लाली रोटियों के पड़ते रहने दें तो मक्कारों को बिरयानी यहाँ भी है वहां भी है। कि लेके बोतल उसे जंगल की तरफ जाने दो, उसकी बॉडी में बकाया है अभी जाने दो। कि लेके बोतल उसे जंगल की तरफ जाने दो, उसकी बॉडी में बकाया है अभी जाने दो। और चढ़ गई खूब तो मैं कसने कहा कुत्ते से, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। वाह वाह वाह। और ये इसका गाँव के ब्यूटीफुल है फेस उसका, लवली लवली हार्ट है, वो मेरा महबूब है, मेरे जिगर का पार्ट है। कि ब्यूटीफुल है फेस उसका, ब्यूटीफुल है फेस उसका, लवली लवली हार्ट है, वो मेरा महबूब है, मेरे जिगर का पार्ट है। और उसकी नजरों से ही दिल की बैटरी होती है चार्ज, उसकी नजरों से ही दिल की बैटरी होती है चार्ज। इसलिए उल्फत की गाड़ी आपकी किस साथ है, कि उसकी नजरों से ही दिल की बैटरी होती है चार्ज। इसलिए उल्फत की गाड़ी आपकी किस साथ है। और मायरे तालीम ये कोई बता सकता नहीं, मायरे तालीम ये कोई बता सकता नहीं, आजकल की आज की साइंस है या आर्ट है। मायरे तालीम ये कोई बता सकता नहीं, आजकल की आज की साइंस है या आर्ट है। और कंपटीशन इसका हमसे कोई छूटा नहीं, कंपटीशन इसका हमसे कोई छूटा नहीं, पर नतीजे में हमेशा फेलिया का पार्ट है। कि कंपटीशन इसका हमसे कोई छूटा नहीं, पर नतीजे में हमेशा फेलिया का पार्ट है। और देखकर माइक पे मुझको एक हसीना ने कहा, देखकर माइक पे मुझको एक हसीना ने कहा, शेर कैसे भी हो लेकिन आदमी स्मार्ट है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने कलीम समर साहब, आपने थोड़ी देर के लिए ही सही हमारे सामईन के गमों को भूलने पर मजबूर किया। जिंदगी अपनी गमजदा है, अगर थोड़ी देर के लिए कोई शख्स हमें हंसने का मौका दे दे तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वरना सूरत हाल तो यह है कि या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन। दुनिया इतने गमों से भरी हुई है कि मुस्कुराने का हमारे पास मौका ही नहीं है। अगर कोई शख्स हमें ये मौका देता है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कलीम समर का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी शायरी जो तंजिया और मजाहिया थी उसमें एक खास बात थी, लखनऊ की जबान का एक हमेशा एहतमाम और एहतराम रहा है कि लखनऊ के लोग नाराज भी होते थे तब भी अपने सलीके से गुफ्तगू करते थे कि पता ही नहीं चलता था कि ये नाराजगी है कि मोहब्बत। लिहाजा वहाँ की जो मजाहिया और तंजिया शायरी है उसमें भी एक सलीका था कि क्या दौर था जब फिक्र रहा करती थी, क्या दौर था जब फिक्र रहा करती थी, मेहमा कोई आ जाए तो खाना खाऊं। क्या दौर था जब फिक्र रहा करती थी, मेहमा कोई आ जाए तो खाना खाऊं। और इस दौर पे लानत हो कि अब सोच रहा हूँ ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। तो ये लखनऊ की जबान